के अरशद नदीम के वालेहाना इस्तकबाल के लिए यहाँ पर आ रहे थे। अरशद नदीम ने आज ये कर दिखाया, ये साबित कर दिखाया कि अगर जज्बा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद अरशद नदीम, पाइंदाबाद अरशद नदीम। का ये सफ़र आज यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि अभी तो अरशद नदीम का सफ़र शुरू हुआ है। अभी तो अरशद नदीम ने बताया है कि हाँ मैं हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। फखरे पाकिस्तान, पाकिस्तान की शान, अरशद नदीम आज वतन वापस पहुंच चुके हैं और गोल्ड मेडल लेकर वतन वापस पहुंचे हैं। इस मौके पर जो कल तकरीब का अहतमाम किया गया, 206 मुल्कों के लोग उस तकरीब में मौजूद थे पेरिस में, जिस तकरीब में इनको गोल्ड मेडल दिया गया और उसी तकरीब में पाकिस्तानी परचम बुलंद किया गया 206 मुल्कों के लोगों के सामने और कौमी तराना बजाया गया। उसामा गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा गौरी, आज के जो हमने मनाजिर देखे यकीनी तौर पर काबिले दीद थे, मुख्तलिफ किस्म के सेगमेंट में उनका इस्तकबाल किया गया। उसामा हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे उनको भी हम उनसे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि अरशद नदीम आज वतन वापस पहुंचे जब उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया और अब कुछ ही लम्हों में अरशद नदीम अपने जो शहर है वापस रवाना हो जाएंगे मीना मियाँ चन्नू और फिर अपने गाँव अपने घर स्टे करेंगे आज रात। और कल से उनके लिए तकारीब का जो अहतमाम किया गया है वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। कल जोहराने का अहतमाम किया गया है और वजीर आजम की जानब से कहा गया था कि वो अरशद नदीम को खुद पिक करेंगे, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से वजीर आजम शहबाज शरीफ आज यहाँ पर नहीं पहुँच सके। लेकिन हमने देखा कि वफाकी वज़रा यहाँ पर मौजूद है, राना मशहूद यहाँ पर मौजूद है, हसन इकबाल यहाँ पर मौजूद है, ख्वाजा साद रफीक यहाँ पर मौजूद थे, अजमा बुखारी यहाँ पर मौजूद थी, शिजा ख्वाजा भी यहाँ पर मौजूद थी और स्पोर्ट्स बोर्ड के नुमाइंदे भी यहाँ पर मौजूद थे, रेंजर्स के अहलकार यहाँ पर मौजूद थे, पुलिस की सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद थी, कस्टम अहलकार यहाँ पर मौजूद थे, FIA के लोग यहाँ पर मौजूद थे। इस एयरपोर्ट पर सभी ने अरशद नदीम का वालेहाना इस्तकबाल किया और अरशद नदीम पर इस वक्त इनामात की बारिश भी कर दी गई है। वजीर अला पंजाब की जानब से अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। सिंध हुकूमत ने अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कराची में अरशद नदीम के नाम से स्पोर्ट्स अकेडमी बनाने का ऐलान किया है और मेयर सखर ने सोने का ताज और स्पोर्ट्स स्टेडियम को अरशद नदीम के नाम से मंसूब करने का ऐलान किया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कौमी हीरो अरशद नदीम को 10 लाख रुपए देंगे, उन्होंने ये ऐलान किया, जबकि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की जानिब से कौमी हीरो अरशद नदीम को 20 लाख रुपए इनाम देने का कहा गया है। मरियम नवाज ने जश्न आज़ादी पर अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम को तोहफा दिया इन ख्यालात का इजहार किया, जबकि उन्होंने अरशद नदीम के नाम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी बनाने का भी ऐलान कर दिया है और कौमी हीरो अरशद नदीम को गवर्नर हाउस लाहौर में भी मदु किया है, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि कौमी हीरो अरशद नदीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया, हमें अरशद नदीम पर फख्र है, पाकिस्तान के नौजवान बासलाहियत हैं, लियारी के नौजवानों को मौका दें तो फीफा वर्ल्ड कप भी जीत कर ला सकते हैं, उनकी जानिब से यह भी कहा गया, जबकि उनकी वालिदा ने कहा कि खुशी है, बेटे ने कौमी परचम की लाज रखी, मेरा बेटा पाकिस्तान का हीरो बन गया है, दुआएं करने पर पूरी कौम का शुक्रिया अदा करती हूँ। ताकत, रफ्तार और महारत सब सुपर फिट, कौमी हीरो अरशद नदीम ने सबको पीछे छोड़ दिया। इस वक्त जो हम डबल डेकर की बात कर रहे थे, सबसे पहले और सबसे तेज की रिवायत को बरकरार रखते हुए एक बार फिर से एक्सक्लूसिव फुटेज उस डबल डेकर बस की जिसमें अरशद नदीम इस वक्त मौजूद हैं, उनकी फैमिली अरशद नदीम के साथ मौजूद हैं और यहां पर एक छोटा सा राउंड लगवाया जाएगा जिसके बारे में पहले कहा जा रहा था, पहले यह तसव्वुर किया